दोस्तों आज की कहानी है नंद जी अपनी बुढ़ी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेखा वहां सबसे मिली और सबके लिए लाए हुए उपहार सबको दिए। रेखा का मायका दूर होने की वजह से उसका आना जाना कम ही हो पाता था। कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी तो कभी घर के कामों से हर बार कुछ न कुछ परेशानी बीच में आ ही जाती। लेकिन शादी के 10 सालों में पहली बार उसे इतने लंबे समय बाद वो मायके आई थी। रात में जब सोने की बारी आई तो बड़ी भाभी ने कहा, दीदी आपका बिस्तर लगा दिया है, चलो अब आप आराम करो। रेखा ने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, नहीं भाभी मैं माँ के साथ उनके कमरे में सो जाऊंगी। कितने दिनों बाद तो मिली हूँ, वो भी सिर्फ 2 दिन ही रह पाऊंगी माँ के साथ। अरे नहीं बिटिया, तो जा आराम से सो जा, लंबे सफर से आई है, नहीं तो मेरी खांसी तुझे रात भर सोने नहीं देगी। रेखा की माँ ने कहा, अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर और भाभी का चेहरा देखकर रेखा को कुछ गड़बड़ होने का एहसास तो हुआ, लेकिन वो चुप साप ठीक है माँ कहकर उठकर सोने चली गई। लेकिन उसके दिमाग में भाभी और माँ का सहरा घूम रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर बात क्या है। तभी रेखा को बादल गरजने की आवाज आई। वो सोचने लगी कि हे भगवान ये बिन मौसम बरसात क्यों। फिर उसने सोचा, नींद तो आ नहीं रही, माँ के पास ही चलती हूँ, देखो सो गई कि जगी है। रेखा जैसे ही कमरे के पास गई उसने देखा उसकी माँ के कमरे में दोनों भाभियों के बेटे सोए थे। रेखा सोचने लगी, जब ये लोग यहाँ सोते हैं तो माँ कहाँ है। रेखा चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढने लगी। तभी उसके कानों में किसी की सिसकियों की आवाज आई। वो तेजी से बाहर बरामदे की तरफ बढ़ी तो उसने देखा उसकी माँ बाहर खुले बरामदे में चारपाई पर सिकुड़ी हुई बैठी है। बारिश की तेज बौछारे उन्हें भिगा रही थी। सादर के कोने को मुंह में दबाए वो रोए जा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत
देखा कि माँ अपनी बेटे की गले लगकर खूब रोई और एक एक करके अपने सभी दर्द को उससे बयां कर दिए। रेखा रोते हुए सिर्फ इतना कह पाई, माँ तुमने कुछ बताया क्यों नहीं, अभी तुम्हारी बेटी जिंदा है और तुम्हारे लिए काफी है। अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार देखकर रेखा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया। उसने अगले दिन अपने दोनों भाइयों से कहा, भैया कुछ तो शर्म किया होता आप दोनों ने, माँ को आप लोग घर के बाहर बरामदे में सुला के खुद अंदर कमरे में कैसे सैन की नींद आती है आपको? क्या माँ के लिए इस घर में इतने से भी जगह नहीं कि वो घर के अंदर सो सके? तभी रेखा की छोटी भाभी ने कहा, देखिए दीदी आपको इतना ही ज्यादा माँ से प्यार आ रहा, अपने माँ को आने पास रख लो। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। हम अपने पास माँ को रख रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अब हम माँ के लिए अलग से नया घर तो नहीं ले सकते हैं, आपको तो पता ही है कि आपका मायका आपके ससुराल जितना अमीर नहीं, ना ही ससुर जी हमारे लिए कोई हवेली छोड़ कर गए हैं। एक कमरे में मैं और दूसरे में जेठानी जी सोती हैं और एक में बच्चे, बच्चा एक कमरे को हमने मेहमानों के लिए सजा रखा है। रेखा ने कहा, क्या बात कही भाभी आपने, लेकिन अगर माँ गेस्ट रूम में सो जाएगी तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा? वैसे भी मेहमान रोज रोज तो आते नहीं है, सब सुख साफ सुन रहे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तभी रेखा की भाभी ने कहा, हम नियत तो नहीं बदलेंगे लेकिन अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप अपने पास रखे लो माँ को और जाते समय अपने साथ ले जाओ। तभी रेखा के बड़े भाई ने कहा, रेखा तू क्यों इस पसड़े में पड़ रही है, तो इसमें नहीं पड़ तो ही अच्छा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जितना प्यार तू माँ से करती है उतना ही प्यार हम सब भी करते हैं, आखिर हमारी भी वह माँ है। रेखा ने अपने भाई से कहा, देख लिया भैया कितना प्यार आप सब माँ से करते हो। खैर आप सब चिंता मत कीजिए, मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ आज ही, मैं काफी हूँ माँ के लिए। रेखा अपनी माँ को लेकर ससुराल आ गई, सबने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही रेखा ने सबको बताया कि अब माँ हम सब के साथ रहेगी, सब के चेहरे का रंग उड़ गया। रात में रेखा के पति रमन ने कहा, देखो रेखा तो
चाहता कि तुम अपनी माँ के शक्ल में मेरे परिवार और बच्चों का कम ध्यान रखी या रखो ही नहीं। रेखा ने गुस्से में कहा, रमन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम कह रहे हो। क्या तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ समझ कर उनकी सेवा कर सकती हूँ, उनकी पसंद ना पसंद का ख्याल रख सकती हूँ और तुम मेरी माँ से प्यार के दो बोल भी नहीं बोल सकती। रमन ने भी गुस्से में कहा, नहीं और तुम भूल रही हो, दामाद और बहू के फर्ज में फर्क होता है, इसलिए जिम्मेदारी भी तुम्हारी ज्यादा है मेरी नहीं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि रमन ने रेखा को एक थप्पड़ गुस्से में मार दिया, जिसकी आवाज से पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। तब रमन की मां ने कहा, देखो संगन जी, आपकी वजह से आज मेरे घर में ये सब हो गया। रेखा को तो अभी दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन आपको तो होनी चाहिए कि आपको तो यहाँ आने से पहले हमसे पूछना चाहिए था। तब रेखा की माँ ने कहा, बहन जी मैं माफी चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। आप सब चिंता ना करें। तब रेखा ने कहा, माँ आप अकेले कहीं नहीं जाओगी, हम अभी साथ में चलेंगे अपने घर में जिस पर आपका अधिकार होगा। अपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है कि वो आपका ख्याल और सम्मान दोनों रख सकती है। रेखा की माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू मेरी वजह से अपना रिश्ता मत खराब कर, तेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और अब मेरी जिंदगी ही कितनी बसी है। रेखा ने कहा, माँ ये रिश्ते नाते समाज सब आपकी वजह से मुझे मिले हैं और जो रिश्ता मेरा ईश्वर ने आपके साथ बनाया है उसके आगे ये सारे रिश्ते मेरे लिए बेमानी हैं। अगर आज मैं आपके सम्मान और खुशी का ख्याल नहीं रख सकती तो मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी? आखिर आपके प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। अभी तक आपने किया मेरे लिए, अब मेरी बारी। चलिए जिस घर में आपके खुशियों और सम्मान का ख्याल नहीं रखा जा सकता उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और रमन मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि इस भेदभाव का हिस्सा उसे नहीं बता सकती। लेकिन याद रखना कि एक दिन सबका बुढ़ापा आता है, कहकर रेखा वहां से चली गई और सब मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। तभी रेखा की सास ने कहा, जाने दे बेटा, कुछ महीनों में
विदेश से रेखा ने कहा, सुमन बस 2 दिन हुए। साय पानी पीने के बाद रमन ने अपनी सास से कहा, माँ अपने घर चलिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बेटी का पिता होकर भी दूसरी बेटी के जज्बात नहीं समझ पाया, मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। रेखा ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, आप सब अपने घर जाइए। अच्छा लगा आप सब से मिलकर। तभी रेखा की सास ने कहा, बहू अब नाराजगी छोड़ दो, सुमन ने हमारी आंख खोल दी, समधन जी हमारे साथ पूरे सम्मान के साथ रहेगी। जैसे एक बहन या सखी अपनी दूसरी बहन या सखी के साथ खुशी खुशी रहती है, तब रमन और सुमन ने भी रेखा को मनाने की कोशिश की। और फिर रेखा अपनी माँ के कहने पर साथ रहने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल